नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, केरल से शुरू हुआ निपा वायरस का आतंक अभी तक थमा नहीं है। निपा वायरस की चपेट में आने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हर कोई खौफ के साए में जी रही है, लेकिन अब कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसको आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर निपा वायरस के शिकार से बच सकते हैं। तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कई चीज़ों में लाभदायक होता है और यह हर घर में भी आसानी से देखने को मिल जाता है। अब यही तुलसी का पौधा आपको इस संक्रमण से बचा सकता है। रोजाना तुलसी के पत्ते खाने से आप निपा वायरस के साथ साथ अन्य संक्रमण से बच सकें। कपूर। कपूर पूजा के साथ साथ कई चीज़ों में फ़ायदेमंद है। सांस संबंधी बीमारी में कपूर को सूंघना फायदेमंद माना जाता है। यही नहीं, अगर इलायची और कपूर को सूंघने से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। आप इसे खा भी सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा गेहूं के दाने बराबर या इससे भी कम रखें। निपा वायरस के लिए भी यह बचाव का उपाय हो सकता है। नीम। नीम के फायदे को नहीं जानता। प्राकृतिक एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर नीम का प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है और निपा वायरस से बचने के लिए भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। रोजाना नीम की कुछ पत्तियां चबाकर आप न सिर्फ निपा वायरस से बच सकते हैं, बल्कि रक्त को भी शुद्ध कर सकते हैं। गिलोय। बड़े बुजुर्ग का गिलोय पर विश्वास अब तक चलता आ रहा है। गिलोय का प्रयोग करना अमृत के समान फायदेमंद होता है। इसे तुलसी की पत्तियों के साथ उबालकर इस पानी में काली मिर्च, काला नमक व मिश्री के साथ सेवन करें। इससे निपा वायरस के अलावा कई स्वास्थ्य समस्याओं में लाभ होगा। लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल आमतौर पर खाने में होता है, लेकिन अगर कच्चे लहसुन का सेवन किया जाए तो यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी इजाफा करेगा, निपा वायरस को आपसे दूर रखेगा।